हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 कैलकुलस में। हमारे पास 5 चैप्टर हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो कैलकुलस में हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का ये लास्ट चैप्टर हमारे सिलेबस में, जो कैलकुलस पार्ट है उसका जो लास्ट चैप्टर है वो ये हमारा 9 चैप्टर है, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास, जैसे मैं लिखता हूं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो ये एक इक्वेशन है। इसमें जो वेरिएबल है वो कौन है? x है। तो ये एक इक्वेशन है x में। ठीक इसी तरह से अगर मैं लिखूं 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो हमारे पास y में एक इक्वेशन है। इसी तरह से मैं बना सकता हूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एक्स और वाई में एक इक्वेशन है। ठीक इसी तरह से हमारे पास अगर मैं लिखूं dy by dx दैट इज इक्वल टू 2xy, तो हमारे पास जो फोर्थ है वो भी एक इक्वेशन है। तो जो फोर्थ है इस टाइप की जो इक्वेशन होगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब क्या बेसिक डिफरेंस है इनमें, फर्स्ट थ्री में और फोर्थ में? फर्स्ट थ्री हमारी इक्वेशन है और फोर्थ हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है इनके बजाय, और डिफरेंशियल इक्वेशन में इस इक्वेशन में हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या बनेगी? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव है किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे ये जो डेरिवेटिव है एक जगह पे भी आ सकता है और एक से ज्यादा जगह पे। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव मींस डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 डीवाई बाय डी एक्स प्लस 8 एक्स वाई इज इक्वल टू। अब देखो डेरिवेटिव, यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया और यहां फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, तो दो जगह पे डेरिवेटिव आ गया। तो एक जगह पे भी हो सकता है एक से ज्यादा, डेरिवेटिव्स मींस एक से ज्यादा जगह पे हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे एक बात क्लियर कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी क्या कहा था कि जब हम वाई वन लिखते हैं तो इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स से होता है। तो यहां पर इसको हम इसको और क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से y2
वाई डैश भी लिख देते हैं, वाई डबल डैश भी लिख देते हैं, डी टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर भी बोल देते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी बोल देते हैं। वैसे ये मीनिंगलेस है, एक्चुअल में क्या है ये है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको जनरली हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोल देते हैं। तो यहां जो स्क्वायर का मीनिंग है वो एक्चुअल में जो स्क्वायर होता है हमारा वो नहीं है, यहां स्क्वायर या टू का जो मीनिंग है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से है। यहां पे जो स्क्वायर या टू का जो मीनिंग है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन हो तो हम एफ डैश लिख देते हैं, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, तो ये सारी एक ही बातें हैं। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए होता है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम यूज कर लेते हैं। हम अपने क्वेश्चन में जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो जनरली हम अपने क्वेश्चन में प्रोनाउंस कर लेते हैं इसको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या डी टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। फिर कर रहा हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पे जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर वर्ड है या डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर टू या स्क्वायर वर्ड है, ये पावर से रिलेटेड नहीं है। इसका जस्ट मीनिंग ये है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीवाई बाई डी एक्स मीन्स यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर से कंफ्यूज होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई। हम जो डील करते हैं प्लस टू क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं, इसमें जो डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे हमारे पास जो यूज होता है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील करते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसमें जिसमें जो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव करते हैं, लेकिन हमारे पास जहां तक सिलेबस की बात है हमारा जो कंसेप्ट है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, एक इक्वेशन जो इन्वॉल्व करती है डेरिवेटिव को, किसके डेरिवेटिव को, डिपेंडेंट वेरिएबल के, किसके विद रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम डील कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस इसमें जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो जो डेरिवेटिव होंगे जितने भी डेरिवेटिव की टर्म्स होंगी वो सारी की सारी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होंगी। जो आगे आप हायर एजुकेशन में मतलब बीएससी में या बीए में आगे जहां पढ़ोगे तो वहां पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है जहां पे जो डेरिवेटिव होता है मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हम करते हैं। तो यहां पे दो टर्म है इसमें, एक तो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके लिए जो टॉपिक है वो ये है, एक तो है ऑर्डर और एक है डिग्री, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जो भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सपोज करो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी थ्री वाई डिवाइड बाय डी एक्स क्यू प्लस सेवन एक्स डी टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू जीरो। एक दी हुई है डी टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स डीवाई बाई
dx is equal to 5 और तीसरी दी हुई है d square y divided by dx square या d2y by dx square plus 7xy dy by dx that is equal to 0। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख दी है। ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर का मींस है जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मीन ज्यादा से ज्यादा कितना ऑर्डर है डेरिवेटिव का। यहां पे देखें आप, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दी हुई है, इसमें कितना ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3 ऑर्डर हुआ 3। क्लियर है ये बात आपको। ऑर्डर का मीनिंग हमारे पास ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब आ जाते हैं हम डिग्री पे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी, उसकी जो पावर होगी वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। अब जैसे फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट में ऑर्डर इसका 3 है लेकिन पावर इसकी 1 है, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, 1। अगर यही क्वेश्चन हम सेकंड के लिए करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ऑर्डर हो गया 2 और डिग्री देखो पावर इसकी 2 है तो डिग्री होगी इसकी 1। अगर हम थर्ड की बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 हो गया और डिग्री इसकी कितनी है, 1। डिग्री हमें मान लो यहां पे 7 भी हो जाए तब भी इसका जो आंसर है इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 ही होगी, क्योंकि डिग्री हमें हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी है, पावर हमें किसकी देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर की देखनी है। लेकिन डिग्री देखते हुए एक चीज आपको नोट करनी है, जब आप डिग्री देख रहे हैं तो एक बात आप नोट करेंगे कि इसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव है मींस y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश dy by dx d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर d क्यूब y डिवाइड बाय dx क्यूब, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए, इन डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसका कहने का अर्थ यह हुआ जो पावर्स है, जो इसकी पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, इसकी जो पावर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके डी टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 8। ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर हुआ सेकंड ऑर्डर है तो 2, डिग्री अगर हम इसकी डिग्री की बात करें, देखो यहां से देखने से डिग्री इसकी 1 तब कहेंगे हम जब सारे के सारे जो डेरिवेटिव है, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डेरिवेटिव उसमें पॉलिनोमियल हो, मींस देखो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब पावर 1, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 1, डी वाई बाई डी एक्स पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 2, डी वाई बाई डी एक्स पावर 1, ठीक है बिल्कुल, यहां पे भी पावर 1, यहां पे पावर 7, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे इसने प्रॉब्लम कर दी, साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो ये डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं रही, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं रही। हम यहां से क्या कैसे साइन नहीं हटा सकते, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स,
अब देखो पाव तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, लेकिन इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज वन प्लस डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स। तब ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना हुआ टू और डिग्री भी कितनी हुई टू। लेकिन इसको इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में नहीं पहुंचा सकते, तो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। डिग्री के लिए पहले आप चेक कर लेंगे कि डेरिवेटिव्स की कोई भी टर्म डीवाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब या डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब कुछ भी कह लो आप इसको, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें से कोई भी ऐसी जो डेरिवेटिव की टर्म है उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल ना हो, नेगेटिव ना हो और इस फॉर्म में ना हो कि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाए। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है हमारे पास, एक एक्सरसाइज 9.1। डेटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास डी फोर वाई डिवाइड बाई डी एक्स रेस्ट टू पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बताना है हमें, ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऑर्डर, ऑर्डर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है तो ऑर्डर कितना होगा इसका 4। लेकिन आप यहां देखें y ट्रिपल डैश मीन्स डी थ्री वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब से है, तो ये साइन के अंदर आ गया, इसका मतलब डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में दिया हुआ है y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी पावर भी 1 है, तो ऑर्डर भी 1 हो गया और डिग्री भी कितनी होगी इसकी 1 होगी। थर्ड है हमारे पास डी एस डिवाइड बाई डी टी पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2 और इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ, हमारे पास फोर्थ में है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इट्स होल स्क्वायर प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2 और डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, डिग्री के लिए देखो इसने प्रॉब्लम कर दी, डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है, यहां कोस के अंदर आ गया डी वाई बाई डी एक्स, तो डिग्री नॉट डिफाइंड, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कोस 3x प्लस साइन 3x। तो यहां से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ इसका 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 2 मिल गया हमें और इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी हमारे पास, डिग्री पावर 1 ही है तो डिग्री इसकी हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सी बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है हमारे पास, बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें से ऑप्शनल में एक या दो नंबर का, एक नंबर का एक भी आ जाता है, कई बार दो नंबर के भी आ जाते हैं दो क्वेश्चन। तो 6 है हमारे पास y ट्रिपल डैश इट्स स्क्वायर y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश पावर 4
प्लस वाई रेस टू पावर फाइव दैट इज इक्वल टू जीरो। आप इसको ऐसे ही समझे, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और वाई, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ थर्ड, तो ऑर्डर हो गया इसका थर्ड, इसकी पावर है टू, तो डिग्री होगी हमारे पास टू। देखो सारी की सारी जो डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में ये पॉलीनोमियल है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं पे कोई समस्या नहीं है, तो हमारी जो डिग्री है वो कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। नेक्स्ट है सेवंथ, सेवंथ है हमारे पास y ट्रिपल डैश प्लस टू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। यहां पे ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया इसका थ्री और डिग्री हो गई इसकी वन, क्योंकि उसकी पावर वन है। नेक्स्ट है एट्थ हमारे पास, एट्थ में हमारे पास वाई डैश प्लस वाई दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो यहां पे देखो डेरिवेटिव एक जगह पे है डीवाई बाई डी एक्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी डेरिवेटिव हमारे पास किसी भी इसी ऐसी फॉर्म में नहीं है जो जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना लिख सके। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया वन, और डिग्री भी कितनी होगी इसकी वन। नेक्स्ट है नाइन्थ हमारे पास, नाइन्थ में है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर स्क्वायर वाई और ये इक्वल टू जीरो, तो सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर हो गया इसका टू और डिग्री इसकी पावर वन ही है, तो डिग्री हो जाएगी इसकी फाइव। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन वाई डबल डैश प्लस टू वाई डैश प्लस साइन वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया टू, डिग्री इसकी पावर कितनी है वन। तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये वाई अगर ये डीवाई बाई डी एक्स हो जाता, साइन के अंदर डीवाई बाई डी एक्स हो जाता, तो फिर डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन भी इसी तरह का है कुछ, डी स्केयर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्केयर एक्स क्यूब प्लस डीवाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस साइन डीवाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये इसमें डिग्री पूछी गई है, ऑप्शन दिया हुए हैं ए थ्री बी टू सी वन और डी नॉट डिफाइंड, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री के लिए डेरिवेटिव की जितनी भी टर्म है उसमें ये पॉलीनोमियल होना चाहिए। देखो यहां तो ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन इसने प्रॉब्लम कर दी साइन ने, साइन के अंदर डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, तो इसकी डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है ट्वेल्व, एक और ऑप्शन दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका ऑर्डर पूछा गया, ऑप्शन दिए हुए हैं ए टू बी वन सी जीरो और डी नॉट डिफाइंड। अब की बार इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा हुआ है, तो यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा टू हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1, तो बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज थी। इसमें से कई बार ऑप्शनल में वन मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, कई बार दो आ जाते हैं ऑप्शन में, एक में डिग्री पूछ लेता है और एक में ऑर्डर पूछ लेता है, कई बार एक में ही दोनों पूछ लेता है, तब भी मार्क्स वन ही रहेगा इसका वन मार्क्स पे। तो वन मार्क के लिए या टू मार्क्स के लिए इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।